2022 विश्व जल दिवस के दिन गाज़ियाबाद से एक हमारा दल जिसमें रमेश भाई, मौलाना साहब और कृष्ण पाल जी मेरे साथ निकले, हम लोग मेरठ आए शोभित यूनिवर्सिटी और वहाँ से फिर हम आगे बढ़ गए सहारनपुर की तरफ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ मुजफ्फरनगर में मंसूरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, बैगराजपुर इंडस्ट्रियल एरिया में एक नाला है। ये नाला इस हिंडन नदी में गिरने वाले तमाम नालों में सबसे बड़ा, सबसे भयंकर और सबसे विशाल है। इस नाले की बदबू इतनी भयानक है, इतनी भयंकर है कि उसे देख करके, सूंघ करके यहाँ खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। इस नाले की विशालता, इसकी गंदगी और किस तरीके से इसका प्रवाह हिंडन जैसी नदियों को मार रहा है, उनका दम घोट रहा है। इस नाले के पानी का शोर आप सुन सकते हैं और इसके प्रवाह को आप देख सकते हैं। कई सरकारें आई और चली गईं, परंतु कभी भी नालों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा, ना ही कभी ऐसे कानून बनाए गए जिन कानूनों के भय से बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े नगर निगम, नगर पालिका अपने नालों पर अंकुश लगा पाती। हिंडन दिन पे दिन मरती चली गई और ये इस नदी की सबसे बड़ा दुर्भाग्य था, ये इस नदी का सबसे काला दिन था। आज सुबह हम लोग गंगोह से निकले पत्नीकुंड बैराज के लिए, तो रास्ते में हमें एक मसखरा नाम की जलधारा दिखाई दी। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इसका पानी इतना साफ है। देखो, मैं अपनी कार की चाबी इसमें घेर रहा हूँ और जो बिल्कुल दिखाई दे रही है। मैं कृष्ण पाल जी से आग्रह करूँगा कि वो उसको दिखाने की कोशिश करें। और इसका पानी इतना साफ है, इतना साफ पानी है कि बिल्कुल मेरा हाथ, मेरा सब कुछ इसमें साफ दिखाई दे रहा है। मेरी चाबी है ये, और दोनों हाथों में पानी और चाबी रख के, और इतना मीठा पानी है, इतना मीठा पानी, बेहद मीठा पानी। हम लोग इस पानी को पी रहे हैं, डिस्टिल वाटर, मिनरल वाटर सब फेल है। मैंने ऐसा स्वादिष्ट पानी कभी जीवन में नहीं देखा। दूसरे दिन हमारा दल पत्नीकुंड बैराज में पहुंचा और यहां का दृश्य बड़ा ही सुंदर भी है और कई सवालों को खड़ा करता है। विशाल जल संग्रह है इस पत्नीकुंड बैराज के पीछे, मीलों तक, दूर तक पानी ही पानी। कृष्णपाल जी और रमेश भाई यात्रा में निरंतर लोगों से संवाद कर रहे हैं और बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। पत्नीकुंड बैराज से पानी विभाजित किया जाता है, कई अलग अलग राज्यों को दिया जाता है। ये हिस्सा उत्तर प्रदेश का है और यहाँ से ये एक नहर है जो बागपत होते हुए गुजरती है। एक हिस्सा इस बैराज के माध्यम से उत्तर प्रदेश को दिया जाता है। ये हिस्सा सहारनपुर ज़िले में आता है और पत्नीकुंड बैराज के आगे जो यमुना नदी है बिल्कुल सूखी हुई है। पानी यमुना में बिल्कुल भी नहीं है। मीलों तक यमुना का दृश्य सूखा हुआ है। हमारी यात्रा धीरे धीरे बढ़ रही है, पत्नीकुंड बैराज को देखने और समझने की कोशिश कर रही है। एक तरफ पानी ही पानी है और दूसरी तरफ एक सूखी हुई यमुना है। इस यात्रा में हमें यमुना को समझने में बहुत मदद मिली और हमें ये समझ में आया कि इंसान ने किस तरीके से अपनी शक्ति का विस्तार करके नदियों को अपनी मुट्ठी में बांधने की कोशिश की है। बैराज के एक दूसरे हिस्से से एक और नहर निकाली गई। ये पहली नहर से कहीं ज़्यादा विशाल है। प्राकृतिक सौंदर्य तो है ही है और विशाल पानी, इसे देखकर एक तरफ मन इंसान का मोहक होता है और दूसरी तरफ मन में सवाल पैदा होते हैं कि क्या ये नदियों के लिए एक अन्याय नहीं है। खेती के बड़े ही नायाब तरीके देखने को मिल रहे हैं। दूर दूर तक गेहूं के खेत हैं और किसानों ने बीच बीच में अपनी मचान बनाई हुई हैं जिन पर वो
सोते हैं, रहते हैं और अपनी फसलों की देखभाल करते हैं। सुनने के लिए शुक्रिया। पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और मित्रों से शेयर भी करें। अपनी टिप्पणी लिखें और नियमित वीडियो अपडेट पाने के लिए मीडिया स्वराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय जगत।